यूट्यूब चैनल पर एक और नई फ्रेश अपडेट के साथ। राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा कट ऑफ नंबर, पेपर का वो लेवल कैसा था, एलडीसी की भर्ती की वो कट ऑफ क्या रह सकती है, वो टाइपिंग के लिए अगर आपके इतने वो नंबर वाले वो टाइपिंग की वो तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि ज़्यादा समय आपको वो टाइपिंग में नहीं मिलेगा, क्योंकि बोर्ड इसकी वो जल्दी वो टाइपिंग बुक करवा देगा। यानी कि अगर आपके इतने वो नंबर बन रहे हैं तो आप आज ही से टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दो। अब बात करते हैं सबसे पहले पेपर का वो लेवल कैसा था। तो पेपर फर्स्ट के अंदर बात करें तो आपका मॉडरेट टू हार्ड था, यानी कि पेपर फर्स्ट आपका जीके वाला, जिसके अंदर जीके साइंस मैथ आई थी, वो मॉडरेट टू हार्ड था। इसके अंदर लगभग 20% ऐसे बताए जा रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस के थे, यानी कि इसके अंदर इंडिया जीके के 20 सवाल आ गए, जो कि इतिहास, भूगोल और कुछ सवाल जैसे फ्रांस की वो क्रांति से भी आ गए, ये आउट ऑफ सिलेबस थे 20 सवाल। इस हिसाब से पेपर फर्स्ट आपका मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं। और तो पेपर सेकंड जिसके अंदर इंग्लिश और हिंदी थी, वो आपका इजी टू मॉडरेट और कुछ हार्ड भी था। इस हिसाब से अब बात करते हैं आपके इतने वो नंबर बन रहे हैं तो आप टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दो। सबसे पहले बात करते हैं जनरल वो कैटेगरी के अंदर। जनरल वो कैटेगरी के अंदर जिन दोस्तों के 60 से लेकर 65% बन रहे, वे अपनी वो तैयारी शुरू कर दो टाइपिंग की। इसके बाद बात करते हैं ओबीसी वो कैटेगरी। ओबीसी के अंदर जिन दोस्तों के 59 से लेकर 61% के 20 नंबर बन रहे, वे अपनी वो तैयारी शुरू कर दो टाइपिंग की। इसके बाद ईडब्ल्यूएस, जिनके 58 से लेकर 60% नंबर बन रहे, वे टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दो। एमबीसी कैटेगरी के अंदर जिनके 57 से 58% के 20 नंबर बन रहे, वो तैयारी शुरू कर दो। और एससी वो कैटेगरी जिनके 55 से लेकर 57% के 20 वो नंबर बन रहे, वे अपनी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी शुरू कर दो। और एसटी वो कैटेगरी के अंदर जिनके 52 से लेकर 54% के 20 वो नंबर बन रहे, वे अपने टाइपिंग टेस्ट की तैयारी शुरू कर दो। और वो जितने भी महिला अभ्यर्थी है, वे अपनी अपनी वो कैटेगरी के अंदर 2 से 3 नंबर वो कम तो कर सकते हो। इस हिसाब से आपकी इतनी वो कट ऑफ रह सकती है वो टाइपिंग के लिए। आप भी अपने वो नंबर वो ज़रूर बताएं कि आपके वो कितने वो नंबर बन रहे हैं। अगर अपडेट ऐसी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।